उधर से प्लेनेट वाला बड़ा मस्त आ रहा है, प्लेनेट नहीं है तितली है, यहाँ पे देखिए पूरा टाइगर है। देखिए उस लोके मतलब अंदर में घूमने के बाद आपको जस्ट लेफ्ट लेकर के राइट आना है, और उसके बाद देखिए कि देख सकते हैं यहाँ नेचर सफारी के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा होगा, और यहाँ पर भी टिकट का चेकिंग हो रहा है। अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि हर बार में 30 आदमी को लेके जा रहा है और ऐसे लंबा लाइन लगेगा। फिर देखिए यहाँ पर बस आएगी, बस आने के बाद एक बार में 30 व्यक्ति को बैठा करके ले जाएगा ग्लास ब्रिज तक, और देन उसके बाद अंदर में कुछ 150 रुपये की टिकट पे करनी है, तब जा कर के आपको जो मिलेगा वहाँ पे। तो बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ लगातार इसी वीडियो में। यहाँ से जाएंगे और आप बताओ। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है यहाँ तक पहुँच कर। पिछले संडे आए थे तो मुँह लटका करके गए थे, और इस बार आए हैं तो एकदम हैप्पी हैप्पी है, मुँह खुला के गया है, एकदम खिलता हुआ जा रहा है, फैल आ गया है, एंजॉय कर रहे हैं। और देखो हाँ, थोड़ा जूम कर दीजिए ना। यहाँ पे पहली बार निकल गया, नेक्स्ट वैन में आएंगे उसमें एंट्री करेंगे, और बस कुछ ही देर में आने वाला है, वहाँ पे निकलेगा वैन और हम लोग आएंगे। आगे बैठेगा कि पीछे बैठेगा? नहीं, हम आगे आगे से सेकंड में, आगे सेकंड में, सेकंड से। हाँ सही है। तुम लोग भाई देखिए सारे लोग चढ़ रहे हैं, एक बार में 30 को ही भरना है भाई, बाकी देखो वहाँ पे लॉक लग गया तो देखिए। अभी बहुत खुशी महसूस हो रहा है, देखिए अभी सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बट हम लोग को एकदम फ्रंट सीट मिल गया, तो देखिए और देखिए बाकी सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। देख सकते हैं इतना भीड़ करने के बाद भी आज हम लोग निकल गए, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। अब बस खुलने वाला दो जो है अभी वैकेंट खाली, मतलब वैकेंट है, सीट खाली है। हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, अब देखिए नेचर सफारी की ओर जा रहे हैं। अब देखिए वाह, इधर यही रोड है भाई नेचर सफारी जाने का, यहाँ से 6 किलोमीटर तक जाना है, और उसके बाद आगे में थोड़ा सा वॉकिंग करते हुए जाना है। देखो अरे देखिए एक जाता है तो एक आता है, देखिए 9 नंबर ये जा रहा है, हम लोग 10 नंबर पहाड़ का वादियों का मजा लेते हैं। ग्लास ब्रिज में एंट्री मारनी है, देखिए देखिए नेचर सफारी में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए हम लोग नेचर सफारी के पास पहुंच गए हैं, और देखिए हमारे मित्रगण हैं, क्या नाम क्या हुआ भाई साहब? पंकज, जहानाबाद के हैं, और हमारे दोस्त लोग हैं सब। टिकट में लाइन लगेगा, टिकट ले। हाँ चलिए चलिए टिकट लेते हैं। देखिए वाह देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है,
तो हम लोग ग्लास ब्रिज के गेट के पास आ गए, यहाँ से टिकट में लेना पड़ता है। टिकट ले लिया प्रकाश? यहाँ से टिकट लेना है और उसके बाद निकलेंगे हम लोग। ये मेन गेट है, यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो हम अभी काउंटर पे आए हुए हैं, तो काउंटर पे आए हुए हैं, तो इधर टिकट ले रहे हैं। टिकट ले रहा है ना? हाँ, तो लो जल्दी से ले लो। तो इसको पास कीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ग्लास ब्रिज के पास पहुंच गए हैं। वहां से आपको 150 रुपया का टिकट लगेगा, उसके बाद फिर इसमें एंट्री मारेंगे। तो यहां पे भैया जी चेक करेंगे, आप आइए मैं दिखाता हूं। ये छोटा सा अच्छा सा गोला टाइप पे बनाया हुआ है, तो आइए मैं दिखाता हूं अभी। ये है सस्पेंशन ब्रिज। कहाँ सस्पेंशन? हाँ, भीड़ लगा हुआ है। यहाँ से जाने का रास्ता है ग्लास ब्रिज का, और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पे रोशन भाई हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ई रिक्शा लगा हुआ है, आप जो यहाँ से सस्पेंशन ब्रिज जाने का भी रास्ता है। और आपको नेचर सफारी के बाद एंटर करने के बाद आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, अभी ग्लास ब्रिज दिखाएंगे आपको। तो भीड़ काफी है ना, काफी भीड़ बढ़ गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ ग्लास ब्रिज के लिए पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है, देखिए बहुत ज्यादा। तो आए तो फटाफट अपना काम कर लें, नहीं तो देखिए इतना लंबा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। फाइनली दोस्तों हम लोग बहुत इंतजार के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, देखिए कितना सारा भीड़ लगा हुआ है। तो देखिए अब बस कुछ ही क्षणों के बाद हम लोगों ने ग्लास ब्रिज में एंट्री मारेंगे। देखिए स्काई ग्लास ब्रिज, यहाँ पे सूज को रखना है, उसके बाद आप तो देखिए फाइनली हम लोग यहाँ ग्लास ब्रिज पे पहुँच चुके हैं। देखिए नारा जा रहा है।